इतना तो कर दिया है, ये वाला भाग का है। रायशुमारी में वहाँ पर हमारे साथ बहुत बदतमीजी हुई थी, नागचंद्रेश्वर 11 नंबर वार्ड से। रायशुमारी में सारे शराब पी के आए हुए और महिलाओं को घेर लिया वहाँ, शराब पी के। रायशुमारी में सारे जो आए हुए थे लोग वो शराब पी के आए, बाहर से बुलाए गए जो दारू पी के आए हुए थे, मतलब वहाँ के स्थानीय नहीं थे, दूसरे वार्डों के आए हुए थे बाहर के। भाजपा कार्यालय में अभी जो हंगामा हुआ, रायशुमारी वाले जो वार्ड वाइज हुई है, 11 नंबर वार्ड नागचंद्रेश्वर में हुई थी, और वहाँ पर हम महिलाएं, हम लोग किस प्रकार हम आए निकल कर, प्रज्ञा ठाकुर है, मैं हूँ, हम लोग बहुत मुश्किल से निकल के आए, और यहाँ पर आकर हम हमारे वरिष्ठों को जो संगठन में है उनको हम आके हमारी बात बताने आए, तो यहाँ से भी भगा दिया गया, बोले आप यहाँ क्यों आए, आप जाओ यहाँ से, क्या काम है आपका यहाँ पे। मतलब आपकी बात महिलाओं की बात नहीं सुनी? नहीं सुनी। कितनी महिलाएं ऐसी दावेदार हैं जो आवेदन कर रही हैं? 11 नंबर से तो हमारे पूरे अगर शहर की बात, पूरे अगर 10 से 12 जी। और हमेशा यही होता है कि अगर जो सक्रिय महिलाएं हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है, नई नई महिलाओं को ले आते हैं और उनको टिकट देते हैं। हंगामा तो नहीं बोल सकते इसको, लेकिन हाँ, हमको कुछ सूत्रों से पता चला था कि हमारी विधायक नीना वर्मा जी का कल कोर कमेटी के अंदर उनका अपमान करा, तो एक तो यह पता चला था हमको कि तो हम ये सहन नहीं करेंगे कि हमारी विधायक का, मतलब नारी शक्ति का कोई, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के अंदर अगर इस प्रकार का किसने किया था और क्या था मामला, ये तो पता नहीं चला, लेकिन पार्टी के ही कुछ पदाधिकारियों ने उनका मतलब अपमान किया है, वरिष्ठ पदाधिकारी है यहाँ पर, उनने इस प्रकार का अपमान किया है, ये हमें सूत्रों से पता चला। दूसरा ये पता चला कि महिला मोर्चे को टिकट न देते हुए और अन्य महिलाओं को टिकट दे रहे हैं, और जहाँ पर सामान्य की सीट है, जैसे कि मैं 10 नंबर वार्ड में रहती हूँ, 10 नंबर वार्ड सामान्य आरक्षित सीट है, उस पर भी सामान्य को टिकट न देते हुए अन्य को टिकट दी जा रही है, तो एक लड़ाई में अपने वार्ड के लिए भी लड़ने के लिए आई हूँ,